दोस्तों, फ्रेंड्स, मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक वाइंटमेंट से परिचित कराएंगे, मलहम से परिचित कराएंगे। यह मलहम है अलविदा पाइल्स। यह किस कंपनी द्वारा निर्मित है यह भी हम आपको बताएंगे। इसका प्राइस क्या है यह भी हम आपको बताएंगे। यह कैसे किस तरह से लगाना है यह भी हम आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं अलविदा पाइल्स के बारे में। इसमें कौन से संघटक मिश्रण हैं? इसमें है बेक्लोमेथासोन, डिप्रोपाइनेट, फेनाइलपीन हाइड्रोक्लोराइड, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड। ये क्रीम है या अलविदा पाइल्स नाम से आपको आपके यहाँ केमिस्ट की दुकान पर उपलब्ध रहेगी। ये डॉक्टर के पर्चे की दवाई है, आप डॉक्टर से सलाह मशवरा लेकर ही इसको यूज़ करें। लेकिन ये पाइल्स के लिए बहुत ही रामबाण औषधि है। यह है रोहिणी फार्मा की कंपनी की दवाई है, ये रोहिणी लेबोरेटरी मेडिसिन कंपनी की दवाई है। तो दोस्तों, इसका प्राइस है 85 रुपये, यानी 85 रुपीज़ है। और ये रोहिणी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा निर्मित है, अलविदा पाइल्स के नाम से जानी जाती है। तो यह किन रोगों में फ़ायदा है करती, आप जानिए। अगर आपके मल द्वार में जलन है, खुजली है, लैट्रिन साफ नहीं होती है, मस्से फूल गए हैं, बवासीर की शिकायत है, भगंदर की शिकायत है, और आपको लैट्रिन करने में कठिनाई होती है, मल द्वार पे सूजन है, तो इस वाइंटमेंट को लगा करके आप लाभ ले सकते हैं। इस वाइंटमेंट के भीतर आपको एक नोज़िल मिलेगा, उस नोज़िल को आप वाइंटमेंट के ऊपर फिट कर लें, और फिट करने के बाद आप अपने मल द्वार पे इसको लगाएं और बहुत ही फायदा पाएं। तो दोस्तों, अलविदा पाइल्स इसका नाम है, यानी पाइल्स को अलविदा करती है, बवासीर की छुट्टी करती है। तो मित्रों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पुश करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि सबसे पहले वीडियोस आपको मिले। तो दोस्तों, आज हमने आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अलविदा पाइल्स वाइंटमेंट के बारे में जानकारी दी है। हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, और अधिक जानकारी अगर चाहते हैं तो भी कमेंट करें। तो दोस्तों, आज हमने आपको अलविदा पाइल्स वाइंटमेंट के बारे में जानकारी दी है। यह आपको हर केमिस्ट की दुकान पर मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।